तो फ्रेंड्स, सिविल एग्जामिना में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी आईआरएमएस एग्जामिनेशन कंडक्ट क्यों नहीं हो रहा और गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्टेड है करवाने में या नहीं, और कैंडिडेट इसको लेकर साइलेंट क्यों है। चलो डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखा जाए तो यूपीएससी ईएससी जो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन होता है 2019, उसका कट ऑफ था 188 से लेकर 210। मतलब मैंने रेंज मान ली है, जो सिविल इंजीनियरिंग और भी ब्रांच आते हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सबको मिला के इस रेंज में आ रहा था कट ऑफ। और उस समय आपका रेलवे हमारे यूपीएससी ईएससी के अंदर इंक्लूडेड था, हटा नहीं था रेलवे। लेकिन जैसे दो यूपीएससी ईएससी 2020 की बात करें तो पेपर से लगभग 2 या 3 महीने पहले आपकी वैकेंसी हटाती जाती हैं रेलवे से। उसके बाद जो कट ऑफ देखने को मिलता है जनरल का 238 से 255, और उसके बाद सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो रहती हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में वो सिविल इंजीनियरिंग की रहती हैं, उसकी वैकेंसी 147 हो जाती हैं। फिर भी बच्चे साइलेंट रहते हैं, चलो कोई बात नहीं। हाँ, नेक्स्ट टाइम इसकी वैकेंसी ज़्यादा आएंगी, एक अलग सा आईआरएमएस बोर्ड बना है उसमें हम एग्ज़ाम दे देंगे और हमारा रेलवे में हो जाएगा। लेकिन एक साल से ज़्यादा हो चुका है, ना ही आईआरएमएस का कोई नोटिफिकेशन आया, ना अभी तक कोई कुछ इसका पता है कि एग्ज़ामिनेशन होगा भी नहीं होगा, नोटिफिकेशन कुछ पता नहीं। फिर भी आप लोग साइलेंट बैठे हैं इसको लेकर, ना कुछ आप सवाल कर रहे सरकार से, ना कोई क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, 2021 में सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी जहाँ 147 थी 86 रह जाती हैं, और उसके बाद कंपटीशन बढ़ जाता है। और फिर अब ये आईआरएमएस का अब नोटिफिकेशन का अभी तक कुछ कोई पता नहीं है कि कब होगा एग्ज़ाम, कैसा हो क्या नहीं। तो इससे बहुत सारे सवाल उठते हैं, मतलब कि सर यूपीएससी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगी या नहीं, क्या जब इसका नोटिफिकेशन आएगा उस समय जो कैंडिडेट होंगे वो ओवर एज हो चुके होंगे कुछ कैंडिडेट, तो क्या वो अलाउ करे जाएंगे या नहीं करे जाएंगे यूपीएससी द्वारा। अब इसमें अब आती है कि कैंडिडेट साइलेंट क्यों हैं। शायद वो ये सोचकर साइलेंट हैं कि हमें ज़्यादा इस चीज़ में डिस्टर्ब नहीं होना, हमें तैयारी करनी है और जो हमारा हो जाएगा और सर औरों को ना हो और देखें। जब रिजल्ट आता तो फिर रोते हैं, फिर कहते हैं कि यार रेल बटा दिया, कट ऑफ बढ़ गया, क्यों बढ़ा। भाई जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे सरकार से यूपीएससी से कि आपने आईआरएमएस अलग हटाया तब तक एग्जामिनेशन क्यों नहीं हुआ, नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं किया आपने, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप सरकार से सवाल कीजिए थ्रू डिफरेंट चैनल्स, तभी आपको पता चलेगा कि इसके बारे में ये एग्ज़ाम होगा भी या ना होगा। वैसे देखा जाए तो जब आईआरएमएस को बनाया गया था तो उसको डिवाइड किया गया 2 ग्रुप में, ग्रुप ए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ग्रुप बी कंबाइंड इंजीनियरिंग सर्विसेज, जिसके अंदर अलग अलग ब्रांच आती हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलग अलग इंजीनियरिंग पोस्ट हैं। अब आप देखिए सिविल सर्विसेज और कंबाइंड इंजीनियरिंग सर्विसेज दोनों के लिए बनाया, इसका मतलब है दोनों तरफ से इसकी वैकेंसी कम हुई। तो फिर आप इसको पूछिए सरकार से, वरना फिर आप सफ़र करेंगे आने वाले एग्जामिनेशन में। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।